हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो देखो, अपन फिर से आ गए अपने नए चैप्टर को लेकर। ठीक है, तो अपना जो नया चैप्टर है उसका नाम है अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आई होप आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल रहा होगा कि अपन को किस पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे नहीं। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, एनालाइज करके पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपका, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अच्छे से देखो पेपर को, है ना, और अच्छे से एनालाइज करो कि किस टॉपिक से। इसलिए मैंने ये साइड बहुत ही मुश्किल से ढूंढ ढूंढा के ये साइड हम लेटर में देखी, तो मुझे ये साइड बिल्कुल सही लगी क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे थे। तो मुझे लगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। इसलिए बच्चों, आप भी अच्छे से बस प्रायोरिटी किसकी रखो, सबसे पहले एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर कर लो। बायोलॉजी में 30-50 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे आपके, मैं बोल रही हूँ आपको। ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर लोकोमोशन मूवमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, मसल से रिलेटेड है लोकोमोशन मूवमेंट, स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है। एक तो ये तो बात आपको पता है, स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, सिस्टम, ये इंग्लिश ख़राब हो गई मेरी तो, और मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है ना, ये तो बात आपको ध्यान है अच्छे से। चलो बढ़िया, अब अपन आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट इन स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको याद है कैल्शियम के तीन फंक्शन बताए थे। रट लो इन तीनों फंक्शन। फर्स्ट, न्यूरल ट्रांसमिशन में, जो न्यूरो ट्रांसमीटर में मदद करता है, याद है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम की। ठीक है, दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, और तीसरा क्या था, कैल्शियम का फंक्शन है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो बोन मैन्युफैक्चर्ड में। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, तो ये आपको, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी आपके मेन आता है आपके कैल्शियम। ठीक है, अब अपन देखते हैं। अब आपको पता है कि बच्चों, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए अगर आपने बुक को अच्छे से पढ़ा हो तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में बच्चों दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, एक तो एक्टिन प्रोटीन और एक मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन जो होता है वो लाइट बैंड कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, और लाइट बैंड कहलाता है इसलिए इसको अपन बोलते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड, यानी आई बैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। मायोसिन जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, डार्क बैंड होता है। ठीक है, और कैसा होता है, एन आइसोट्रॉपिक होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम इज फॉर स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओके, बिकॉज इट बाइंड्स टू ट्रोपोनेंट और रिमूविंग द मास्क एक्टिव साइड फॉर ऑन एक्टिन मायोसिन। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये ऑप्शन सही है। देखो कैसे, ये अपने पास कुछ इस तरीके की एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं ना, कुछ इस तरीके के एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं अगर आपने, ठीक है, है ना, और इनके साथ में एक और पैरेलली रन करता है, कौन रन करती है, ट्रोपोमायोसिन। ये है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, और इस ट्रोपोमायोसिन के अल्टरनेट पैटर्न पे कुछ मास्क लगे हुए रहते हैं, पता है, जिसको अपन बोलते हैं, यानी एक्टिव साइड, यहाँ पर एक्टिव साइड होती है, यहाँ एक्टिव साइड होती है, और इस एक्टिव साइड के ऊपर कुछ मास्क बने हुए होते हैं जो इनको कवर कर करके, जिसको अपन बोलते हैं ट्रोपोनिन। टोपी होती है, टोपी, ठीक है, और ये ट्रोपोनिन जो होता है कॉन्ट्रैक्शन के समय कैल्शियम के साइड बाइंड करके बाहर निकल रहता है, ताकि एक्टिव साइड एक्टिन पर रिमूव हो, खाली हो जाए, और फिर इस एक्टिव साइड पर कौन जुड़ता है, ये कौन है, मायोसिन का ग्लोबुलर पार्ट जुड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक्टिन ध्यान रखना, ये ऑन और फॉर का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मायोसिन भी दे देगा आपको सेम ऑप्शन में, और यहाँ एक्टिन दे देगा, तो ध्यान रखना
एक्टिव साइड किस पे होती है? ट्रोपोनिन के साथ एक्टिन पर होती है, एक्टिन पर होती है जो मायोसिन के लिए बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलो, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल अनमास्किंग। अभी बात करिए अनमास्क मतलब जो ट्रोपोनिन को लेके चले जाएगा, जिसका नाम है कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ रिलैक्सेशन, अच्छा रिलैक्सेशन कमी होना एंड सक्सेसिव स्टिमुलेशन। देखो बच्चों, रिलैक्स नहीं हो रहा, सक्सेसिव स्टिमुलेशन मतलब हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये प्रोसेस कहलाती है बच्चों टिटनेस। टिटनेस में क्या होता है कि रिलैक्स ही नहीं करती मसल्स, बस कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन टिटनेस। टोनस क्या होता है बच्चों? टोनस है ना एक नॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ रिलैक्स भी करता है, लेकिन वो करता रहता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स करता रहता है। टिटनेस में तो कॉन्ट्रैक्शन ही कर रहा है वो बेचारा, रिलैक्स ही नहीं कर पा रही मसल्स। स्पास्म क्या होता है बच्चों? स्पास्म मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्शन करता है फिर रुक जाना, उसमें क्या होता है पेन होता है बच्चों। इस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, बोलते हैं ना वो बाइट आ जाना, वो ऐसी कंडीशन होती है। ठीक है, और फटीक तो आपको पता ही है, जब फटीक का पता जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, फिटनेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये जो थ्योरी मैंने अभी आपको बताई थी कि एक्टिव मास एक्टिव साइड पर मायोसिन आके यहाँ पर स्लाइड करता है, फिर इसको आगे खींचेगा, फिर वो स्लाइड करेगा, तो इस फिलामेंट इस थ्योरी को बच्चों स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। ये बात तो ध्यान होगी आपको। ठीक है, तो कैन बी एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कैन बी एक्सप्लेन बाय एक्टिव मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रेदर स्लाइड पास की दीच अदर। अच्छा ठीक है, और वैन मायोफिलामेंट स्लाइड पास की दीजर, अच्छा मायोफिलामेंट मतलब ये मायोफिब्रिल की, किसकी बोल रहे हैं, मायोसिन की। मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन, नहीं बच्चों मायोसिन का कुछ नहीं होता है, मायोसिन ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है, तो रॉन्ग है। मायोफिलामेंट स्लाइड इज अदर, मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन एंड, नहीं जब मायोफिलामेंट स्लाइड करता है ये भी गलत है, शॉर्टन नहीं होता। ठीक है, एक्टिव मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन गलत है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, यहाँ पर इनके हिसाब से ए ऑप्शन सही है। ठीक है, देख लो, एक्टिव मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, छोटे नहीं होते वो, जैसे ही वैसे वैसे रहते हैं, बट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर्स एट। मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो सिग्नल को CNS से वापस ऑर्गन तक लेकर आते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ना ये CNS है, ये ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन से CNS तक कौन लेकर जाता है, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, और वापस कौन लेकर आता है इन्फॉर्मेशन को, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इसी को बच्चों अपन एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं और मोटर न्यूरॉन को ईफ्रेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। खैर अब आगे देखो क्या लिख रखा है, स्टिमुलेशन मसल फाइबर मोटर न्यूरॉन कौन करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये तो पता है आपको बच्चों, तो बहुत ईजी है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है जिसकी वजह से तो सिग्नल्स देते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एच जोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच जोन, हटा दूँ इसको तो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको एच जोन क्या होता है। देखो बच्चों, कुछ इस तरीके का डायग्राम आपकी बुक में है, ये है एक्टिन, और ये है मायोसिन, यही होता है कुछ इसी तरीके का डायग्राम होता है। मायोसिन थोड़ा डार्क होता है, उसको डार्क कर देते हैं, हाँ तो ये है एक्टिन, लिख देती हूँ पूरा, और ये है बच्चों मायोसिन। ठीक है, मायोसिन होता है अपने पास ए बैंड, ठीक है, एक्टिन होता है अपने पास आई बैंड। ठीक है, ये होती है बच्चों जेड लाइन, ठीक है ना, और क्या होता है यहाँ पर, ये नॉर्मल, ये है नॉर्मल मसल जब ना तो कोई रिलैक्सेशन हो रहा है ना कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो बच्चों ये जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये स्पेस, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस को अपन बोलते हैं एच जोन। ठीक है, इस स्पेस को अपन बोलते हैं एच जोन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एच जोन इज स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडेड थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। बात एक ही है, ठीक है, मतलब ए बैंड बोलेगा वो बोलो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, सेंट्रल, ये सेंट्रल गैप ही तो है,
ठीक है, बिटवीन किस किस के बीच में है, देख लो यहाँ पर किस किस के बीच में है, ये देख लो यहाँ पर एक तो फिलामेंट एक्सटेंड एक्सटेंड होते हैं वो, और मायोसिन फिलामेंट द ए बैंड के बीच में, तो बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। बाकी भी देख लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल गैप ऑफ द ए बैंड, नहीं बच्चों ये गलत है, एक्सटेंशन कभी भी मायोफिलामेंट का नहीं होता है, ध्यान रखेंगे ठीक है। द एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल, ये भी रॉन्ग है, और द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, नहीं ये वाला है ऑप्शन ठीक है, तो ये होगा जो ये वाला गैप होता है इसको बोलते हैं ठीक है, चलो तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जब, है ना, तब क्या होता है। अच्छा एक चीज़ तो बताना भूल गया मैं, आई एम सो सॉरी बच्चों, हाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन समय दो जेड लाइन, ये भी एक जेड लाइन है ना, है ना, तो दोनों जेड लाइन के बीच में जो एरिया होता है पूरे को अपन सार्कोमेयर कहते हैं, ये तो पता है आपको, सार्कोमेयर इज अ यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है बोल्ड करी भी ठीक है, तो सार्कोमेयर इज अ यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक यूनिट होती है ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये इधर खींचता है जिस वजह से सार्कोमेयर छोटा हो जाता है, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सार्कोमेयर शॉर्ट हो जाता है ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, ठीक है क्या दे रहा है, सार्कोमेयर डज नॉट शॉर्टन, होता नहीं है, नहीं भाई तो रॉन्ग है बिल्कुल, होता है भाई, ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड मतलब कौन था, मायोसिन, तो मायोसिन कर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मायोसिन वैसा का वैसा ही रहता है, अभी बताया मैंने, तो बिल्कुल सही है बच्चों। सार्कोमेयर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बच्चों में एक बात, सार्कोमेयर शॉर्ट होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो एक्टिन होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, और मायोसिन वैसा का वैसा ही रहता है ठीक है। ए एच ये रॉन्ग है और ये भी गलत है ठीक है, शॉर्ट नहीं होते हैं बल्कि फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं ये भी रॉन्ग ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन अवर, देख लेते हैं, हार्ट, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है इनवॉलेंटरी, बिल्कुल सही है, हार्ट में कार्डिक मसल्स होती है ना, इनवॉलेंटरी मतलब होता है जो अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन वो अनस्ट्राइटेड होती है, नहीं स्ट्राइटेड मसल्स होती है, और स्मूथ मसल नहीं होती, कार्डियक मसल होती है ठीक है, तो रॉन्ग है ये। इंटेस्टाइन के अंदर स्ट्राइटेड मसल्स होती है, इनवॉलेंटरी होती है, तो इंटेस्टाइन यानी ऑर्गन, विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन में स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स जो होती है वो अनस्ट्राइटेड होती है, तो इनवॉलेंटरी तो है लेकिन अनस्ट्राइट होती, तो ये रॉन्ग है। थिक थाई, थाई के अंदर यानी अपनी जांग के अंदर स्ट्रेटेड होती है और इन्वॉलेंटरी, बिल्कुल सही बात है, थाई यानी अपनी स्केलेटन सिस्टम की बात करते हो, स्केलेटन सिस्टम में स्केलेटन मसल्स होते हैं, स्केलेटन मसल्स कैसे होते हैं, उसमें बैंड्स दिखते हैं, यानी स्ट्रेटेड मसल्स होती है प्लस वो वॉलेंटरी होती है, अपने हिसाब से काम करती है, तो ये बिल्कुल सही है। अपर आर्म, ऊपर वाले आर्म में स्मूथ मसल्स होती है एंड फ्यूजीफॉर्म होती है, नहीं बच्चों अपर आर्म यानी अपने हाथ, अरे भाई लिम्स में कौन सी मसल्स होती है जो अपने हिसाब से काम करती है, तो वो कौन होती है, स्केलेटन मसल होती है ना, तो थाई भी अपने यहाँ पर, अपर आर्म जो होता है वो भी अपने यहाँ पर स्मूथ मसल नहीं होती है, स्केलेटन मसल्स होती है ठीक है। चलो तो ये रॉन्ग है ऑप्शन। फ्यूजीफॉर्म क्या होता है, फ्यूजीफॉर्म ऐसी सेल्स होती है जो फ्यूज हुई भी रहती है दोनों एंड से फ्यूज हुई भी होती है, उसको फ्यूजीफॉर्म सेल्स बोलते हैं, और ये सेल्स होती है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल को दिखाओ वो कैसी होती है, फ्यूजीफॉर्म होती है, ये रॉन्ग है, लेकिन अपर आर्म गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन स्केलेटन मसल इन्वॉल्व एटीपीएस एक्टिविटी, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, अभी मैंने बताया मसल कॉन्ट्रैक्शन में दो प्रोटीन काम करते हैं एक्टिन और मायोसिन, लेकिन ये बोल रहा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बताओ, प्रोटीन बताओ जिसमें एटीपीएस एक्टिविटी होती है, तो बच्चों सीधे सीधे एनसीईआरटी के डायग्राम में दे रखा है, मायोसिन में अगर आपने डायग्राम देखा जिस तरीके का, तो यहाँ पर एटीपीएस एंजाइम होता है ठीक है, तो ये वाला ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओके लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीज, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एच जोन डिक्रीज होता है ठीक है, लेकिन और भी देख लेते हैं अपन ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है ये, लेंथ ऑफ एच जोन जब ये ऐसा था, अभी बाद में फिर पास में हो जाता है, बताया ना एच जोन, अरे भाई जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये एरिया तो कम होगा ना, तो ये एरिया कौन सा होता है, एच जोन, हाँ तो ए सही है। लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कॉन्स्टेंट, ए बैंड यानी मायोसिन, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, ए बैंड बिल्कुल रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है। आई बैंड इंक्रीज, लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीज, तो आई बैंड यानी एक्टिन, नहीं बच्चों ये वाला थोड़ा इसके हिसाब से थोड़ा सही नहीं है, और लेंथ ऑफ टू जेलर इंक्रीज डिक्रीज करता है, तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन सही है बच्चों, टेंशन नहीं लेना है, उस समय मल्टीपल चॉइस भी हुआ करते थे, 10 से 20 साल हो गए इस क्वेश्चन को ठीक है, आप तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखो ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सरकोमियर? अभी बताया सरकोमियर क्या होता है, दो जेड लाइन के बीच का पार्ट। ये रहा आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोटीन फॉर अ मसल? कॉन्ट्रैक्टर प्रोटीन होता है मसल के लिए, कौन होता है? मायोसिन। ठीक है, यहाँ अगर एक्टिव होता तो बोथ होता, लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम इज स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मतलब स्केलेटन मसल, वो अभी बताया मैंने। स्केलेटन मसल यानी कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो उसकी यूनिट क्या होती है? सारकोमियर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में तो लिखना ही भूल गई, एनसीईआरटी की लाइन है। चलो नेक्स्ट, पेन इज अ मसल बैंड, बैंड करती है मसल। जब बैंड करती है, बैंड मतलब मुड़ जाती है। ठीक है, तो वन पार्ट अपॉन द अदर विच इज द ओके वन फ्लेक्स। अच्छा हाँ, जब अपनी मसल बैंड करती है बच्चों, तो नस के ऊपर नस नहीं चढ़ जाती क्या? मसल के ऊपर मसल नहीं आ जाती क्या? बोलते हैं ना नस के ऊपर नस चढ़ गई, तो उसको अपन क्या बोलते? उसको देखो याद रखना, फ्लेक्सर। ये अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, पहले आते थे। ठीक है, इसको अपन फ्लेक्सर बोलते हैं। ठीक है, याद हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कुछ अच्छा ये आ गया अपना। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है अपना। फ्लोटिंग रिब्स, रिब्स कितनी होती है? 12 में से कितनी अपने पास? हाँ, में फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है? 11th और 12th वाली यही होती है मेरे हिसाब से। और फ्लोटिंग रिब्स वो होती है जो पीछे से जुड़ी तो रहती है स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन आगे से वो फ्री होती है, आगे से वो स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं रहती है। तो देख लो, लोकेटेड इन द 7th एंड 8th नहीं, हेड ऑफ ह्यूमन नहीं, डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, ये बिल्कुल सही है। तो ए का आएगा 4th, जो स्टर्नम से नहीं जुड़ती। ठीक है, नेक्स्ट है ब्री, सी एंड डी है ना। स्कैपुला, स्कैपुला क्या होता है बच्चों? आपको अपन ने अगर ध्यान हो तो यहाँ पर स्कैपुला क्या होता है? वो होती है मतलब वो बोन होती है जो अपने मतलब रिब्स के पास में जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, लोकेटेड बिटवीन द 2nd and 7th रिब्स, 2nd and 7th रिब्स के पास में होती है। अरे अपनी जो रिब्स होती है ना, उसकी जस्ट ऊपर स्कैपुला बोन होती है यहाँ पर। ठीक है, तो सी का आएगा यहाँ पर 1st। ठीक है, सी का आएगा यहाँ पर 1st आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी क्या होती है बच्चों? ग्लिनोइड कैविटी वो होती है यूमरस, यूमरस ये अपना यूमरस होता है, और यहाँ पर ये अपनी ये कंधा होता है और ये अपनी बोन है, तो इनके अंदर यहाँ पर एक कैविटी बनती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। तो यहाँ पर होते हैड ऑफ यूमरस, तो यहाँ पर यूमरस के जस्ट ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, तो ये वाला तो यानी डी का आएगा 2nd। अब बच्चा कौन सा? एक्रोमियन। एक्रोमियन किससे रिलेटेड होगा? क्लेविकल से। ठीक है, ये भी कैविटी होती है जो क्लेविकल उससे जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो बी का जाएगा 3rd। देख लो कौन सा ऑप्शन आएगा, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। और अगर तुम्हें बाकी के 3 नहीं आते, अगर फ्लोटिंग रिब्स आता तब भी तुम आंसर डी लगा लेते लो बोलो, क्योंकि बाकी में ए के अंदर 4th है ही नहीं, तो बाकी भी करने की जरूरत नहीं थी तुमको। लो वो तो बस तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16th वाला। हाँ करेक्ट ऑप्शन, देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल। बिल्कुल सही है, 7 पेयर अपने वर्टिब्रो स्टर्नल होती है, 1 से 7 तक ट्रू रिब्स होती है। ट्रू रिब्स जानते हो ना, ट्रू रिब्स क्या होती है बताएं ये तो बात आपको। ठीक है ना, वर्टिब्रो स्टर्नल मतलब वर्टिब्रो से भी जुड़ी रहती है, और किससे बोलते हैं क्या बोलते हैं वो, स्टर्नल से जुड़ी रहती है। 8, 9 और 10th वाली जो होती है अपने पास, ठीक है, ये वाली जो 8, 9 और 10 जो होती है वो फॉल्स रिब्स कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉल्स रिब्स। ठीक है, फॉल्स रिब्स होती है। ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब्स होती है, देखो मैं इसको काम करती हूँ, मैं लिख देती हूँ, रुको ये याद रखना। देखो बच्चों, रिब्स में कितनी रिब्स होती है? 12 pairs रिब्स होती है, 12 pairs रिब्स होती है। 12 pair में से 1 से 7 तक पेयर्स की जो रिब्स होती है, ठीक है, रिब्स जो होती हैं उनको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोलते हैं, जो ट्रू रिब्स होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, 8 से 10 तक जो पेयर की जो रिब्स होती हैं उनको वर्टिब्रो
क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रल बोलते हैं। कॉन्ड्रल मतलब होता है कार्टिलेज, जो कार्टिलेज से जुड़ी रहती है, स्टर्नम से जुड़ी नहीं रहती डायरेक्ट, ठीक है। और बची अपनी लास्ट 11th एंड 12th पेयर वाली रिब्स, ये जो होती है अपने पास, ये सिर्फ अपनी वर्टिब्रल रिब्स होती है जो केवल वर्टिब्रल से जुड़ती है लेकिन स्टर्नम से नहीं जुड़ती, समझ गए। देखो ये अपने स्पाइनल कॉर्ड है पीछे की तरफ, और ये स्टर्नम है मान लो, तो स्टर्नम से भी जुड़ रही है, स्पाइनल कॉर्ड से भी जुड़ रही है। तो ये वाली रिब्स होगी अपने पास, कौन सी रिब्स होंगी ये वाली, अपनी ट्रू रिब्स होगी ये वाली, इसलिए इसको वर्टिब्रो स्टर्नल बोला। दूसरी रिब्स होती है जो पीछे से तो आती है लेकिन आगे से कार्टिलेज से जुड़ी होती है, स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉर्डल। और दूसरी होती है 11 से 12, वो होती है जो फ्लोट करती है, कुछ ऐसी होती है बस जो फ्लोट करती है, समझ गए ना तुम। देखो मेरे को डायग्राम नहीं बन रहा है, तुम समझ जाओ, ठीक है। चलो तो आंसर हो जाएगा कि 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल कॉर्डल एंड 2 पेयर्स, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8th 9th पेयर, ये तो बाद की तो रॉन्ग ही हो गए, तो समझ गए ना। ए फॉर, जब तुम्हें सही आता है तो बाकी को देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट चलो 17 देखें। एक्स पेयर ऑफ रिब्स है, अरे ये फिर वही आ गया, चलो देखते हैं। एक्स पेयर ऑफ रिब्स है, ओनली वाई पेयर ऑफ रिब्स आर ट्रू रिब्स। ओके क्या बोल रहा है, वाई इज अ ट्रू रिब्स है, तो ट्रू रिब्स कितनी होती है, 7 पेयर, ठीक है। पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमंस, एक्स पेयर ऑफ रिब्स है यानी एक्स, एक मिनट रुको रुको रुको, इसको हटा दूँ। चलो अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक्स पेयर है, एक्स पेयर ऑफ रिब्स होती है यानी 12 पेयर है, तो एक्स का मान कितना है, 12, ठीक है। अब बोल रहा है जिसमें से वाई पेयर है ट्रू रिब्स, तो वाई पेयर का मतलब कितना होता है, वाई की संख्या कितनी होगी, यानी इससे ट्रू रिब्स कितनी होती है, 7 पेयर होती है जो वर्टिब्रल और स्टर्नम दोनों से जुड़ती है, तो एक्स और वाई रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ एक्स कितना है, यानी टू पेयर्स, पेयर्स एक्स पेयर बोल रहा है। यहाँ अगर पेयर नहीं होता तो 24 आता आंसर, लेकिन यहाँ 12 आएगा, ठीक है, और यहाँ 22 7 आएगा, समझ में आ गया। देखो ध्यान से सुन लो अच्छे से, ठीक है, पेयर्स की बात कर रहा है तो अच्छे से देखनी है ये चीज़ अपन को, ठीक है। अगर यहाँ पेयर नहीं होता तो बोलता कि एक्स रिप्स है, तो एक्स रिप्स है तो कितना आता, 24 आता, ठीक है, लेकिन पेयर्स बोल दिया तो अपन 12 लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, फंक्शन नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। ओके स्केलेटल सिस्टम बॉडी हीट में मदद करता है, नहीं बच्चों, बॉडी हीट तो बहुत से ऑर्गन होते हैं, जैसे अपना ब्रेन हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, थर्मोरेगुलेशन हो गया, जैसे अपना लीवर हो गया, ये सब मदद करते हैं। लोकोमोशन में ये करता है, प्रोडक्शन एरिथ्रोसाइट, हाँ बोन करता है, एरिथ्रोसाइट में मदद आरबीसी करती है, स्टोरेज ऑफ मिनरल बिल्कुल सही बात है, कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करके रखता है बोन, ये नहीं है तो इसका ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लीनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट, ग्लीनॉइड कैविटी किसको आर्टिकुलेट करवाती है, तो आपको ध्यान रखना है जो ग्लीनॉइड कैविटी होती है वो ह्यूमरस को स्कैपुला से करवाती है, याद है ये अपना, ये अपन लोग हैं, ठीक है, ये अपना हाथ है, तो ये अपना होता है, ये है ग्लीनॉइड कैविटी, ये है जीसी, ये है ह्यूमरस, ये अपनी ह्यूमरस बोन है, और यहाँ होती है स्कैपुला, कुछ ऐसी होती है, तो ग्लीनॉइड कैविटी स्कैपुला को ह्यूमरस से जोड़ती है, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट 23 ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल पार्ट आर करेक्टली मैच विथ देयर रिस्पेक्टिव इंक्लूसिव स्केलेटल कैटेगरी, इन वन पेयर इज नॉट, देखते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले तो मैं आपको गर्डल बता देती हूँ, अपनी बॉडी में दो तरह के गर्डल होते हैं, एक तो होता है बच्चों पेक्टोरल गर्डल जो अपने कंधों पर होता है, पेक्टोरल, और एक होता है पेल्विक गर्डल जो अपने हिप बोन्स में होते हैं, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल भी दो तरीके के होते हैं अपने, एक तो होता है बच्चा क्लेविकल और एक होता है स्केपुला, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो स्केपुला होती है बच्चों वो कैसी होती है बच्चों, शोल्डर, शोल्डर और ब्लेड जैसी होती है, ये तो पता है ना आपको, ठीक है, कि ध्यान रखनी है आपको, है ना। और एक और बात मैं बता दूँ, ये कैसी होती है, शार्प होती है, देखो ऐसे स्केपुला, ऐसे शार्प, ठीक है, रिजिज होते हैं इसमें, ठीक है, और ये ट्राइंगुलर होती है, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो,
ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें पेड़ बताना है अपन को, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होता है अपने पास, ये बोल रहा है कि नॉट मैच बताना है, आइडेंटिफाई द नॉन मैचिंग पेयर बताना है अपन को, ठीक है। तो ग्लिनोइड यानी क्लेविकल नहीं बच्चों, ग्लिनोइड जुड़ा हुआ है स्कैपुला से, स्टर्नम रिब से जुड़ा हुआ है एक्सियल स्केलेटन, बिल्कुल सही है ये, ह्यूमरस एंड अल्ना बिल्कुल सही बात है ये, और मेलियस एंड स्टेपन ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर आएगा स्कैपुला बोन, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैचिंग थ्री आइटम ऑफ देयर ग्रुपिंग कैटेगरी, ठीक है। देखने अपन को थ्री आइटम बताना है अपन को, करेक्ट मैचिंग बताना है, करेक्ट बताना है बच्चों इसमें, ठीक है। देखो इलियम इस्कियम, कोएक्सल बोन एंड पेल्विक गर्डल, ये बिल्कुल सही है, इलियम इस्कियम अपने कोएक्सल पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट होते हैं, ये बिल्कुल सही है, कोएक्सल बोन के अंदर होता है। एक्टिन मायसिन रोडोप्सिन, नहीं गलत है, ये तो सही है लेकिन ये गलत है। साइटोसिन यूरोसिन एंड थायमिन पिरिमिडिन होता है, साइटोसिन यूरोसिन एंड थायमिन, तो बच्चों यहाँ पर एक मिनट ये क्या दे रखा है, साइटोसिन यूरासिल एंड थायामिन, अरे एडिनिन और गुआनिन तो प्यूरिन्स होते हैं और ये दोनों तो पिरिमिडिन्स होते हैं, ये तो सही तो है, ये भी ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है। और मेलियस इनकस और कोलका, नहीं क्लोका इज नॉट अ बोन, मेलियस इनकस स्टेपीज इज अ बोन, तो ये तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, बट ये वाला गलत क्यों बता रहा है, या थायमिन की जगह यहाँ एडिनिन होता तो हाँ ये रॉन्ग हो जाता, लेकिन बच्चों इस हिसाब से तो ये ऑप्शन सही है, तो ए और सी है इसका ऑप्शन। आप तो कॉन्सेप्ट देखो कि भाई हाँ जबरदस्ती रॉन्ग नहीं करना है अपन को, तो ठीक है अपन तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्रोमियोन प्रोसेस इज कैटेगराइज ऑफ, अब एक्रोमियोन जो होता है वो किसमें होता है बच्चों, में पेक्टोरल गर्डल ऑफ मैमल्स, अभी बात करी थी अपन ने जब स्कैपुला ह्यूमरस ग्लेनोइड कैविटी के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो ये बात आप और दूसरा आपको बता दूँ, हाँ एक्रोमिगियन जो होता है, अच्छा एक मिनट एक्रोमिगियन पूछा था, एक्रोमिगियन बच्चों पेल्विक्स जुड़ता है, आई एम सो सॉरी बच्चों ये पेल्विक्स जुड़ा रहता है, ठीक है, या ए ऑप्शन आएगा, वो दिख ही नहीं रहा, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई सच में, चलो है ना, तो पेल्विक आएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इट विल हैपन लिगामेंट आर टोन, टोन मतलब होता है फट जाना, ठीक है। देखते हैं बोन्स विल मूव फ्रीली एट द जॉइंट नो पेन, अरे पेन तो होगा ना भाई, बोन लेस मूवेबल एट जॉइंट एंड पेन, बोन विल नॉट अनफिक्स्ड, एक मिनट रुको बच्चों, ये वेट मैं वापस एक बार बताती हूँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है सिस्टम में, अरे मैंने ये दो क्वेश्चन नहीं करवाए, जब मैं देखो मैंने 24 में कैसे आ गई, मैम सोचा बच्चों में ये 22 वाला करवाऊंगी ना, देखो 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 22 वाला क्या बोल रहा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, यू द फॉलोइंग गिव करेक्ट टोटल नंबर, ओके टाइप ऑफ डायबिटीज 3, ओके टाइप ऑफ डायबिटीज, ठीक है, सर्विकल वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री ह्यूमन 8, फ्लोटिंग रिब्स ह्यूमन में 4 होती है, फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है 4, सही बात है 4 ही होती है, ये सही है। अमीनो एसिड आर फाउंड इन प्रोटीन 16, नहीं 20 होते हैं, ये गलत है, डायप्रोडायबिटीज 2 होते हैं, ये भी रॉन्ग है, और बच्चा कौन सा अपना है ना, तो ये भी रॉन्ग, सर्वाइकल वर्टिब्री यानी C7 होते हैं अपने पास, तो ये तो रॉन्ग है अपने पास, ठीक है, ये तो 7 होता है। अमीनो एसिड फाउंड प्रोटीन कितने होते हैं 16, नहीं 20 होते हैं, यहाँ पर ये सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन,
इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट? कोलर बोन, थ्री पेयर्स, ओके कोलर बोन्स होती है बच्चों अपने पास क्लेविकल, और ये थ्री पेयर्स नहीं होती, टू पेयर्स होती है. सलाइवरी ग्लैंड वन पेयर, नहीं बच्चों थ्री पेयर्स होती है. क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स बच्चों 10 पेयर होते हैं, ठीक है. और फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं वो टू पेयर होती है, ये बिल्कुल सही है. तो कोलर बोन होती है दो पेयर, सलाइवरी ग्लैंड होती है तीन पेयर, क्रेनियल नर्व होती है 12 पेयर, ठीक है. तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी. अब अपन देखते हैं ये वाला, हाँ ठीक है, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था. हाँ एक्रोमेगियन जो अपन ने देखा था पेक्टोरल वाला, वो बिल्कुल सही था बच्चों, ठीक है ना. सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ हो गया था इसमें, इसलिए इसमें, अरे ये क्या हो रहा है, एक मिनट गड़बड़ सड़बड़ हो रही है, हैंग कर रहा है बहुत ज्यादा ये, एक मिनट. अब देखो एक्रोमेगियन एक प्रोसेस होती है बच्चों, जब जो अपने पेक्टोरल गर्डर स्कैपुला जो होता है, स्कैपुला जब ह्यूमरस के साथ जुड़ता है, ठीक है, तो यहाँ एक कैविटी होती है ग्लेनॉइड कैविटी, तो उस प्रोसेस को अपन एक्रोमेगियन बोलते हैं जो पेक्टोरल गर्डर मैमल्स में होता है, ठीक है. तो ये बात आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट्स आर टोन? अगर लिगामेंट्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि बोन लेस मूवेबल होगा, यानी बोन लेस मूवेबल, यानी बोन जो होगी वो बिना मतलब बोन मूव तो करेगी, लेकिन कहने का मतलब है कि जो अपने मसल्स का जो कॉन्ट्रेक्शन होगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन्स को मसल से जोड़ने का काम करते हैं. तो जॉइंट्स में जो बोन्स होंगी वो एक दूसरे को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगी, इस वजह से अपन मूवमेंट ही भी अच्छे से नहीं हो पाएगा. इसलिए जो यही तो होता है, देखो ऐसी बहुत सारी मूवीज भी अपन ने देखी है, पता नहीं देखी नहीं देखी होगी, उसमें से बहुत सी मूवी बनी है जिसमें लिगामेंट्स हटा देते हैं, जिनकी वजह से वो चल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बोन्स को खड़ा ही नहीं कर सकते, क्योंकि जॉइंट्स को खड़ा रखने के लिए, जॉइंट्स को आपस में जोड़ने के लिए लिगामेंट्स की आवश्यकता होती है. तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा बच्चों, ठीक है. दूसरा, स्टर्नम इज कनेक्टेड टू द रिब्स बाय, स्टर्नम इज कनेक्टेड टू रिब्स बाय, किसके साथ जुड़ी हुई रहती है? आपको पता है कि स्टर्नम रिब्स से कार्टिलेज से जुड़ी रहती है, लेकिन वो कौन सी कार्टिलेज होती है जो स्टर्नम को है ना रिब्स से जोड़ने का काम करती है? तो मैं आपको बता दूँ, वो हाइलैंड कार्टिलेज होती है, ध्यान रखना इस बात को. ये अपने रिब्स ये कुछ इस तरीके की होती है, फ्लैट बोन होती है ना, और यहाँ पर अपनी रिब्स होती है इसे जुड़ती है, तो यहाँ पर हाइलैंड कार्टिलेज, हाइलैंड कार्टिलेज होता है जिसको जोड़ के रखता है, ठीक है. एरियोलर टिश्यू बच्चों कनेक्टिव टिश्यू होता है, अलग है, बोनी मैटर अपने बोन्स में होता है, और वाइट फाइब्रस कार्टिलेज है ना, ये अपने कार्टिलेज होता है, लेकिन ये वाइट फाइब्रस ये ज़्यादातर अपने जैसे बोन्स वगैरह में होते हैं, ठीक है. चलो नेक्स्ट, बोन्स रिलेटेड विथ स्कल इज, बोन्स अपने रिलेटेड है स्कल से, ठीक है ना, बोन्स रिलेटेड विथ स्कल तो किसके होता है, देख लो, बोन रिलेटेड विथ स्कल किससे होता है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, होता है टेरिकॉइड से, ठीक है. टेरिकॉइड वाला ध्यान रख लेना, ध्यान रखो तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पहले पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है, अब नहीं है आता ये आपके क्वेश्चन, फिर भी ध्यान रख लेना कि इससे रिलेटेड है टेरिकॉइड, ठीक है. बाकी आपको ध्यान नहीं रखना ज़्यादा, इसकी टेंशन मत लेना. टोटल नंबर ऑफ बोन इन ईच लिम्ब 30, ये तो पता होगा बच्चों, ईच लिम्ब में कितना होता है, 30 लिम्ब्स होती है, 30 30 30 कितना होगा, 4 3 12, यानी 120 हड्डियाँ होती है अपने चारों हाथ पैरों में, ठीक है. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी, फ्लोटिंग रिब्स कितने होते हैं, टू पेयर्स होते हैं, 11th और 12th. इज द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, इज द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, तो बता दो भाई कौन सा है. स्टर्नम नहीं है, ग्लेनॉइड कैविटी बिल्कुल है, अभी अपन ने बात करी थी पेक्टोरल गर्डल में अपने स्कैपुला और क्लेविकल होते हैं जिसमें ग्लेनॉइड कैविटी होती है, तो सी ऑप्शन आएगा. 31, द सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमंस इज सेम एज इन वेल, अच्छा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है. हाँ ये बिल्कुल, वेल इज अ मैमल्स, हाँ तो सेम होगी, मोर देन इन रैबिट, नहीं बच्चों रैबिट भी मैमल है तो सेम होगी, डबल देन और ये भी गलत है, ये भी गलत है बच्चों, सेम होगी भैया, मैमल्स पे सेम ही होगी, ठीक है. जितनी होती है लॉन्ग बोन्स फंक्शन इज, लॉन्ग बोन्स का फंक्शन ये बहुत बार पूछा जाता है, और इस पर आप ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों बोन मैरो जो होता है
आपको पता है बोन मेरो का काम होता है आरबीसी प्रोडक्शन करना, लेकिन आपको मुझे पता था बोन मेरो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग बोन्स में होता है। हर आपके 206 बोन्स होती है, 206 बोन में से जो जो लॉन्ग बोन्स होते हैं जैसे थाई हो गया, ह्यूमरस हो गया, ऐसी बोन्स में ही अपने में जैसे स्पाइनल कॉर्ड हो गई, इन बोन्स में ही अपना ये पाया जाता है बोन मैरो। तो बच्चों देखो लॉन्ग बोन्स का फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट भी करना होता है, इरिथ्रोसाइट भी बनाता है और ल्यूकोसाइट सिंथेसिस भी करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही है ये। तो बच्चों आरबीसी साथ साथ ये क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इन कैमल्स, कैमल्स मतलब ऊँटों में कितना होता है, ठीक है, ऊँटों में कितना होगा, सेम एज वेल, क्योंकि बच्चों कैमल इज अ मैमल और वेल इज ऑल्सो अ मैमल, तो जितना इसमें होगा उतना इसमें होगा। समझ में आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडल्टोइड, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, नहीं पूछे जाते। अब ये फिर भी मैं बता देती हूँ, डेल्टोइड रिज जो होता है वो ह्यूमरस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वी शेप रिज होता है, ये वी शेप रिज होता है, ठीक है ना, तो ह्यूमरस के अंदर वी शेप रिज होता है जो जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जॉइंट्स, अब जॉइंट्स फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके भी, शायद 50 क्वेश्चन होंगे, हाँ हो जाएंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन, है ना, हो जाएगा, है ना। मैच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स विद पेन इन्वॉल्व, ठीक है, अपन को मैच ऑफ द फॉलोइंग बताना है, ठीक है, देख लेते हैं इसमें। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, अपने हाथ में। अब हाथ में कौन सी होती है, अपने कार्पल्स, अपने कलाइयों की हाथ में। अपन हाथ को ऐसे मोड़ सकते हैं ना, हाथ को ऐसे घुमाते हैं, तो वो क्या होते हैं, अपने कार्पल्स होते हैं। तो एक फर्स्ट का होगा थर्ड, ठीक है, दूसरा सी एंड डी, देख रहे हैं सी, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होते हैं बच्चों को कहाँ होते हैं, ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच में होते हैं, है ना, बिटवीन ह्यूमरस अल्ना के बीच में जॉइंट्स, तो उसको अपने हिंज जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, हाँ ध्यान रखेंगे इस बात का। ये सब बुक में दे रखा है बच्चों, मैं कुछ भी आपको नया नहीं बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट तो बी का होगा फोर्थ, नेक्स्ट पाइवोइड जॉइंट, है ना, पाइवोइड जो जॉइंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके एटलस एक्सिस, अभी एटलस एक्सिस कहाँ होती है बच्चों, अपने अपन जो होते हैं वो डाइकोंडाइलिक होते हैं, याद है डाइकोंडाइलिक, मैंने एक बात बताई थी, कोंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं अपने वर्टिब्री कॉलम्स में, यहाँ पर तो यहाँ होता है एटलस, एटलस और यहाँ होती है एक्सिस, दो वर्टी, फर्स्ट वर्टिब्री और सेकेंड वर्टिब्री होती है, तो इन दोनों के बीच में कोंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं जो अपने माथे को स्पाइनल कॉर्ड से घुमाने का काम करते हैं, तो अपन डाइकोंडाइलिक होते हैं। तो इनमें जो जॉइंट्स होते हैं उसको अपन, जिस वजह से अपन गर्दन घुमाते हैं उसको अपन पाइवोइड जॉइंट्स बोलते हैं, तो सी का आएगा यहाँ पर सेकेंड, ठीक है। और लास्ट सैडल जॉइंट बड़ा वो क्या है, अपने कार्पल एंड मेटाकार्पल से, यानी कलाई और हाथों की उंगलियों के बीच में जो अपन जॉइंट्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं सैडल जॉइंट, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा फर्स्ट, तो ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पाइवोइड जॉइंट बिटवीन एटलस एंड देवोन, आई क्या कोई बात, पाइवोइड जॉइंट कहाँ होता है, एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है। इज अ टाइप ऑफ, कैसा जॉइंट है ये, एक तरीके का जो पाइवोइड जो जॉइंट होता है अपना, वो किस तरीके का जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है। बच्चों हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होते हैं उनको साइनोवियल होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट, जो मूवमेंट नहीं करता है, आई थिंक इसके अंदर ऐसा कौन सा मूवमेंट होगा जो कोई मूवमेंट नहीं करता, साइनोवियल जॉइंट्स में होता है, ये करता है, ये तो करता है भाई, ये तो करता है। बोल एंड शोपर जॉइंट अपने ह्यूमरस और थाई बोन्स में होता है, जिस वजह से अपन अपनी जांघों को इधर से उधर कर सकते हैं, ये भी होता है, करवाता है। फाइब्रस जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जो बहुत ही टाइट जॉइंट होता है, जिस वजह से अपन कोई नहीं कर सकता। फाइब्रस जॉइंट अपने स्कल की हड्डियों के बीच में होता है, तो अपनी स्कल की हड्डियाँ होती है ना, आठ होती है, तो उसमें अपन मूवमेंट ही कर सकते हैं, ठीक है, तो सी आएगा आंसर। नेक्स्ट 38, वही आ गया, फिर वही जॉइंट आ गया, ठीक है। कार्टिलेजनेस जॉइंट्स किसके बीच में होता है, यहाँ देखो वर्टिब्री के बीच में होगा, मेरे हिसाब से ए का होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है कि जो कौन सा सही बता रहा है, ठीक है। बच्चों देखो कार्टिलेजनेस बोन जो होता है वो वर्टिब्री के बीच में होता है, तो ये तो रॉन्ग है। फ्रंटल पैराइटल बोन में फाइब्रस बोन होता है, फ्रंटल पैराइटल लोब ये अपने स्कल में होते हैं, तो ये रॉन्ग है। पाइवोइड जॉइंट, अभी अपन ने देखा पाइवोइड जॉइंट कहाँ होता है अपने, है ना, एटलस एंड एक्सस के बीच में होता है, तो कैसा ही लिख रखा है, रॉन्ग है। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट अपन ने कहाँ पढ़ा था, अभी अपन ने ह्यूमरस एंड अल्ना, ह्यूमरस एंड अल्ना पढ़ा था, सही है क्या, ये बिल्कुल सही है। और ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पढ़ा था, अपने हाथों के बीच में, कार्पल्स में, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि
है ना, तो बिटवीन द कार्पल्स यहाँ पर गड़बड़ दे रखा है बच्चों, डी वाला भी सही है। ग्लाइडिंग जो इन कार्पल के बीच में ही तो होता है, ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किस हिसाब से दे रखे हैं ये, या तो कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन के टाइपिंग में। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान रखना इसको। ठीक है, मैं काम करती हूँ, आपको लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं लिखती हूँ कार्टिलेज जॉइंट्स, मैं तुम्हें देती हूँ जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, कार्टिलेज जो बोन्स होते हैं बच्चों वो वर्टिब्रल कॉलम्स में होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स में। ठीक है, बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा, ठीक है, दूसरा होता है बच्चा पाइवोइड जॉइंट। पाइवोइड जॉइंट जो होगा वो एटलस, एटलस एंड एक्सिस में होगा। ठीक है, दूसरा है बच्चों हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ होता है? हिंज होता है अपने नी, नी जॉइंट्स में, अपने घुटनों के जॉइंट्स में होता है। ठीक है, जो सिर्फ एक तरफ से मूव कर सकता है। ठीक है, दूसरा होता है अपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कहाँ होता है बच्चों? ये होता है अपने बिटवीन, बिटवीन जहाँ तक मुझे ध्यान है हेड ऑफ ह्यूमरस, ये स्पेलिंग मुझे ध्यान नहीं है, देख लेना, ह्यूमरस एंड वो ग्लिनोइड कैविटी, पता है ना ग्लिनोइड कैविटी, अभी बताया था ग्लिनोइड कैविटी, इन दोनों के बीच में जॉइंट होता है। ठीक है, और एक और है शायद फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जो जॉइंट होता है वो इनमूवेबल जॉइंट होता है, मूव नहीं कर सकते इसमें। ये अपने सूचर, सूचर होते हैं, ये अपने स्कल का जो, स्कल की जो बोन्स होती हैं उनमें होता है, जिसमें अपने फ्रंटल पराइटल के बीच में, तो इनके बीच में जैसे ये फ्रंटल है हड्डी इसकी, ये पराइटल है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ इन इस गैप को अपन बोलते हैं बच्चों सूचर्स। ये तो पचा होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और एक लास्ट है शायद ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट अपने कहाँ होता है ना, कार्पल्स के बीच में होता है। ठीक है, और एक और होता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कहाँ होता है? मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के बीच में होता है। बस तो कितने हो गए देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो अब ध्यान रख लेना इनका। तो ठीक है, कार्टिलेज जॉइंट वर्टिब्रल, देखो कार्टिलेज का बना होता है, जुड़ा रहता है पाइवेट एटलस हिंज, हिंज में ठीक है नी जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अपने ह्यूमरस सोर्स में होता है। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट है ना जो इनमूवेबल होता है, फाइबर का बना होता है। और ग्लाइडिंग जॉइंट अपने कार्पल्स के बीच में होता है, और सैडल जॉइंट अपने मेटाकार्पल और कार्पल्स के बीच में होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ए ओ डी आएगा। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आंसर कैसा भी हो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्टरिस्टिक एंड एग्जाम्पल ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट इन अ ह्यूमन। ठीक है, देख लेते हैं, तो इसमें आएगा बच्चों फ्यू फ्री साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू विल, वो सही बात है, जॉइंट्स अटलस में एग्जाम्पल जॉइंट्स बिटवीन। हाँ बच्चों, साइनोवियल जॉइंट जो अपन ने अभी पढ़ा था, अभी अपन ने एटलस एंड पाइवेट जॉइंट होता है, एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है उसको अपन बोलते हैं पाइवोइड जॉइंट। ठीक है, अभी अपन ने देखा ये रहा। ठीक है, दूसरा, और इनके बीच में क्या भरा रहता है बच्चों? साइनोवियल फ्लूड भरा रहता है, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी भी देख लेते हैं, लिम्फ फील्ड नहीं बच्चों गलत है, फ्लूड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन्स लिमिटेड नहीं गलत है, लिमिटेड मूवमेंट नी जॉइंट, फ्लूड कार्टिलेज नहीं बच्चों, फ्लूड कार्टिलेज जो होता है वो तो वर्टिब्रल में होता है, और जो नी जॉइंट होता है, नी जॉइंट कौन सा होता है? हिंज जॉइंट होता है, तो गलत है। फ्लूड फील्ड टू प्रोवाइड कुशन स्कल बोन, बिल्कुल गलत बच्चों। स्कल बोन के अंदर जो फ्रंटल पैराइटल लोब्स एक्सोपिटल लोब्स होते हैं, इनमें कोई भी फ्लूड नहीं होता है, क्योंकि मूव ही नहीं करते हैं, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना 40 वाला आंसर है अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, द बोन्स ऑफ स्कल आर जॉइंट, क्या दे रखा है अपन को? द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन, है ना, तो देखो तो क्या दे रखा है अपन को, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन, तो सर्टन पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन के बारे में अपन को बताना है। ठीक है, एक बार में देख लो, तो रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, क्योंकि मेरे पास चोट हो जाती है मेरे साथ, मैं बड़बड़ करती थी तो रिकॉर्ड ही नहीं होता बच्चों, ऐसा हो जाता है बार बार। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या है इसका आंसर।
क्या बता रहा है इसमें करेक्ट बताना है अपन को ह्यूमन स्केलेटन में पैराइटल बोन एंड द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आ जाओ। बिल्कुल सही बात है, अभी अपन ने देखा फाइब्रस बोन इज इनमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है बिल्कुल। फर्स्ट वर्टिब्री इज एक्सस नाइल, फर्स्ट वर्टिब्री इज एटलास एंड सेकेंड इज एक्सिस, और फिर वो आर्टिकुलेट होकर ऑक्सीपिटल कॉर्डाइन बनाते हैं पेयर होंगे। तो नाइन्थ एंड टेंथ पेयर अदर रिब्स ऑफ द फोर्टीन बिल्कुल गलत है, इलेवंथ और बारह होती है। ग्रीनर वेबड इज डिप्रेशन टू इन विथ द थाई, बिल्कुल गलत है, थाई में नहीं होता, यूमरस में होता है जो अपनी हाथों की बोन में होता है, ठीक है। चलो एल्बो जॉइंट, एल्बो तो मतलब अपने एल्बो मतलब जानते हो ना अपने कोनी, कोनी 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 की लगती बहुत तेज है। एल्बो जॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ, एल्बो जॉइंट यानी अपनी ये अपने जॉइंट्स, हाथ के जो जॉइंट्स होते हैं जो एक, तो बचाओ एक बात बताओ नी में जॉइंट कौन सा था, नी में कौन सा जॉइंट्स था, हिंज जॉइंट था, अभी बात करी थी अपन ने। अब मैं एक बात बताओ कि अपन जो अपने घुटनों को सिर्फ एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्या दूसरे दो डायरेक्शन मूव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। वैसे ही एक बात बताओ अपने हाथों को तुम नीचे की तरफ मोड़ सकते हो नहीं मोड़ सकते हो, सेम। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि एल्बो के अंदर भी आपके कौन सा जॉइंट होगा, हिंज जॉइंट होगा, तो ए आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जो अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ध्यान था तो वैसे बता देते, पर चलो कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, ओके देख लेते हैं। हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्री, नहीं बच्चों कार्टिलेज होता है, गलत है। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स में होता है, गलत है। कार्टिलेज जॉइंट स्कल में होता है, क्या बोल रहा है ये, एक मिनट। अच्छा ये ओ माय गॉड, जाइगोफाइसिस एंड सक्सेसिव वर्टिब्री, हाँ हो सकता है जाइगो, ये अपने बोन से रिलेटेड होता है, अपने हाथ और ये वर्टिब्री में रिलेटेड होता है। तो एक मिनट रुको ना, कार्टिलेज बोन, कार्टिलेज जॉइंट अपने स्कल बोन में होता है, रॉन्ग है, फाइब्रस होता है, फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फैलेंजेस में होता है, नहीं ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट वाला सही है इनके हिसाब से, ठीक है। देखो जाइगोफाइसिस ये सब बच्चों एक प्लेट्स होती है बोन्स की, तो इनके बीच में भी जब बोन्स, अरे देखो ये एक वर्टिब्री, ये दूसरी वर्टिब्री, ये तीसरी वर्टिब्री, ये चौथी वर्टिब्री, तो दो वर्टिब्री के बीच में भी तो यहाँ पर मूवमेंट होता है, तो यहाँ पर भी ग्लाइडिंग जॉइंट है जिसमें से ये ग्लाइड कर सकता है, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं ये दूसरा और ये दूसरी वर्टिब्री, पहली वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री, तो यहाँ पर भी होता है, ठीक है। जाइगोफाइसिस का मतलब होता है बच्चों इनकी प्लेट्स होती है बोन्स की, तो उनके बीच में मूवमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द नेम ऑफ द जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, कार्टिलेज जॉइंट, रटलो, ठीक है। नेक्स्ट, द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड पाइवाइड जॉइंट, रटलो, पी ए पी ए पी ए, ठीक है। द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द ह्यूमन स्कल, कार्टिलेज, सॉरी फाइब्रस, फाइब्रस बिल्कुल टफ होते हैं जो बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं बिल्कुल, है ना, तो यहाँ एक आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, डिसऑर्डर पूछा है, अब फटाफट कर लो, लास्ट है बस, ये हो गया, ज़्यादा पकाऊंगी मैं नहीं, वे तुमको। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर इनहेरिटेड, इनहेरिटेड इनहेरिटेड बच्चों ये रट लो, डाइस्ट्रॉफी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना, डिस्ट्रॉफी जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी इनहेरिटेड होती है, रट लो इसको। तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब समझ गए ना, हड्डियों का कमजोर होना, एज रिलेटेड डिजीज होती है जो किस होता है। इम्यून डिसऑर्डर, अच्छा इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फीडिंग टू फटीक, ओके और देखते हैं आगे। हाई कंसंट्रेशन, नहीं गलत है, तो हाई कंसंट्रेशन डिक्रीज लेवल स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही है। और याद है मैंने आपको बताया था जब 50 की एज में फीमेल्स में ईस्ट्रोजन लेवल घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, मैंने बोला था याद कर लो आगे भी आएगा, ठीक है। तो बाकी और यूरिक एसिड जमा हो जाता है जॉइंट्स में, तो उसको ऊपर बोलते हैं गाउट, तो ये तो रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन, ह्यूमन के में लोकोमोशन के हिसाब से अपन को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द वर्टिब्रल कॉलम हैज अ 10 थोरेसिक वर्टिब्री, क्या पूछा है ये आपसे, हाँ 10 नहीं होती 12 होती है, ठीक है रॉन्ग है। द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इज फाइब्रस, नहीं बच्चों कार्टिलेज होती, फाइब्रस स्कल में होती है, रट लो इतना तक तो ठीक है। एंड डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉज ऑस्टियो, नहीं बच्चों डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टलाइन जॉइंट्स कॉज इन्फ्लेमेशन, सही बात है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है समझ में आ गया। चलो बढ़िया,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर ऑफ मसल एंड ह्यूमन फेलियर ऑफ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। ये बिल्कुल सही है, ये तो टाटा हुआ है, ये तो अपने है माइस्थेनिया ग्रेविस, क्या जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन फेल हो जाता है उसको जो नॉर्मल स्वेलिंग हो जाती है उसको माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया क्रिएटेड इन द जॉइंट कॉजिंग, नहीं यूरिया ने यूरिक एसिड, ठीक है क्लियर होंगे। और ओवरडोज ऑफ विटामिन डी कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, नहीं बच्चों जब अपन विटामिन डी खाते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस थोड़ी ना, तो वध की अपनी हड्डियाँ तो बनती है तो, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ओवरडोज बोल रहा है ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा नहीं, ठीक है। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड स्केलेटन मसल कॉज, नहीं रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होना क्या कहलाता है, अपने बात करते हैं टिटनेस कहलाता है ना कि मसल डिस्ट्रॉफी कहलाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर मसल और स्केलेटन सिस्टम रिलेटेड है, ठीक है, मसल राइस और एज रिलेटेड डिसऑर्डर मसल्स, ये बिल्कुल ठीक है, नहीं एज रिलेटेड नहीं है बच्चों, इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसके अंदर मसल से रिलेटेड है, ठीक है, ये रॉन्ग है। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास, बिल्कुल सही बात है, एंड हाई चेंज ऑफ फ्रैक्चर इन, बिल्कुल सही बात, एज के साथ साथ होती है फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट, नहीं बच्चों माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है अपने पास है ना न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन के फेल होने से होता है, स्लाइडिंग फिक्शन थोड़ी ना यहाँ पर, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है करेक्ट पूछ रहा है तो ये रॉन्ग होगा। और गाउट इन्फ्लेमेशन जॉइंट इन द एक्सट्रा, नहीं बच्चों गाउट होता है जब जॉइंट्स में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये भी रॉन्ग है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो देखा आपने किस तरह के क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा थे नहीं और थे भी तो ज़्यादा एनसीईआरटी के थे, ज़्यादा इसमें थे नहीं है ना, तो अब देख लो इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, अब तुम आई होप एनालाइज कर रहे होंगे तुम लोग, ठीक है, अच्छे से एनालाइज करते रहो, अच्छे से देखते रहो, ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर एनसीईआरटी देखो बच्चों जितने भी तुम क्वेश्चन देख रहे हो डिसऑर्डर के हो भले कौन से भी क्वेश्चन हो, अगर देखा होगा तुमने, देखो मैं तो हर एक चैप्टर में यही बात बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों 95% से ज़्यादा तो एनसीईआरटी से अंदर से ही है, अगर तुम ये भी कवर कर लोगे तो एडिशनल याद करने में दिक्कत नहीं आएगी तुमको, ठीक है। चलो तो अच्छे से पढ़ो उसको और अच्छे से तैयारी करते रहो, अच्छे से टेस्ट देना, ठीक है, चलो।